अब तक 19 श्लोक हमने चर्चा किए, उसमें जो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने अभी तक अपने मन में उतार लिया, आपको लगता है कि ये मुझे 19 श्लोकों का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे स्मरण स्मृति में है, वो आप लोग मुझे बताइए, चैट पे लिख के बताइए, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे, आज के श्लोकों को आगे बढ़ाएंगे। जो भगवान की शरण जाता है वह भयानक आपत्ति में भी नहीं घबराता। बिल्कुल सही, इस पे हमने थोड़ी लास्ट टाइम चर्चा भी करी थी, सबको आपको एक्सरसाइज दिया था, एक 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 एक्टिविटी दी थी कि भी कैसे जो है, कैसे हमें भगवान से, आपने कभी कोई प्रार्थना करी और फिर भगवान ने आपकी रक्षा करी या प्रार्थना का रिस्पॉन्स दिया। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। और कोई भक्तों को याद नहीं? अगर नहीं याद तो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी आपको होमवर्क अपने करने हैं बराबर। तो अब हम आज 20 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर श्लोक पढ़ के फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे के श्लोकों को हम चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी तक हमने देखा था, शंख बजे और पांडवों के तरफ भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाए, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने शंख बजाए, और उन शंखों का जो इफेक्ट था वो कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। कौरवों का जो हृदय है एकदम खौफ से भर गया। और फिर जो है, हमने देखा कि पांडवों के पक्ष में ऐसा नहीं हुआ था, पांडवों के पक्ष में बिल्कुल एकदम शांति थी, मतलब शांति इन द सेंस कोई घबराहट नहीं थी। और हमने उसमें जाना था कि भगवान उनके पक्ष में है और भगवान पर उनका जो विश्वास है उस कारण से उनको भय नहीं लगा। भगवान जहां पे है भय नहीं हो सकता वहां। शास्त्र में वर्णन आता है कि भगवान का नाम ही काफी है, नाम से ही भय भी भयभीत हो जाता है, साक्षात भय भी भगवान के नाम के आगे भयभीत हो जाता है। तो फिर और भगवान को आने की भी जरूरत नहीं, भगवान का नाम ही काफी है। तो ये सब चर्चाएं होने के बाद अब संजय बोलते हैं कि जो अर्जुन का रथ था उस रथ पे हनुमान जी का चिन्ह भी अंकित था, हनुमान जी ध्वजा में उपस्थित थे, उनका ध्वजा हनुमान जी द्वारा हनुमान जी के चिन्ह से अंकित था। अर्जुन ने ऐसे रथ पर सवार थे अर्जुन, और उन्होंने अपना धनुष उठाया जिसका नाम गांडीव है, और फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना की तरफ देख के अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये शब्द कहे। क्या शब्द कहे तो आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे तात्पर्य में हमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये भी एक विजय का चिन्ह था अर्जुन के पक्ष का, ये भी एक अर्जुन के पक्ष के विजय का चिन्ह था कि अर्जुन के पक्ष में हनुमान जी द्वारा अंकित चिन्ह जो है उपस्थित है। हनुमान जी की उपस्थिति रथ के झंडे के ऊपर जो है एक विजय का चिन्ह है। तो वहां पे प्रभुपाद जी समझाते हैं इस 20 नंबर श्लोक के तात्पर्य में कि जिस प्रकार से राम रावण युद्ध हुआ था उस समय राम जी उपस्थित थे, सीता मैया रावण के चंगुल में थी, तो उनको जो है युद्ध करके वापस लाया गया, तो उस समय भी हनुमान जी उपस्थित थे। तो आज जैसी परिस्थिति है उसमें भगवान श्री कृष्ण, वही जो राम है, वो उपस्थित हैं और हनुमान जी भी उपस्थित हैं। तो जहाँ राम और हनुमान दोनों उपस्थित हैं, या जहाँ श्री कृष्ण और हनुमान जी उपस्थित हैं, वहां विजय उसी पक्ष में होगी। तो इस प्रकार से अर्जुन के पक्ष में दोनों होने के कारण अब जो विजय के लक्षण है वो अर्जुन के पक्ष में है। 20 नंबर श्लोक के तात्पर्य में इस बात का वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण है, अर्जुन है और हनुमान जी उपस्थित हैं, और फिर भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश कहलाते हैं। ऋषिकेश मतलब भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं,
और अर्जुन को सही प्रकार का सलाह परामर्श देने वाले अर्जुन के पक्ष में हैं, तो सारी अच्छी परिस्थितियां अर्जुन के पक्ष में हैं और इस तरीके से युद्ध की जो निर्णय है विजय वो भी अर्जुन के पक्ष में। ये 20 नंबर श्लोक में होने के बाद अर्जुन ने क्या किया, ये शब्द बोले, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्जुन बोलते सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय में अच्युता यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कई मर्या सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। अर्जुन बोलते हैं कि हे अच्युत, अच्युत यहाँ पे श्री कृष्ण को अच्युत कहकर पुकारा गया है, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो ताकि मैं देख सकूं कौन कौन यहाँ उपस्थित हैं जो युद्ध करने की इच्छा से आए हैं और मुझे इस महाभारत में, इस महान युद्ध में किन के साथ युद्ध करना है, मैं ये देखना चाहता हूं। तो हे श्री कृष्ण मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि प्रभुपाद समझाते हैं कि श्री कृष्ण वैसे तो परम भगवान है लेकिन अपनी अहेतु की कृपा वश, जैसे परम भगवान है मतलब सबसे ऊपर वो ही है, सबके बॉस श्री कृष्ण है। अब जो सबके बॉस हैं वो बॉस बॉस कभी भी सेवा नहीं करता, बॉस बॉस होता है और सेवक सेवक होते हैं, लेकिन अपनी अहेतु की कृपा के कारण ये हमारे जो बॉस हैं श्री कृष्ण ये कभी कभी अपने भक्तों की सेवा में लग जाते, अपने भक्तों के प्रति प्रेम के कारण वो कभी कभी उनकी सेवा करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपनी स्थिति से गिर जाते हैं, वो हमेशा बॉस ही हैं, वो हमेशा अपने परिस्थिति को बनाए रखते हैं, कभी कभी जूठे पत्तल उठाते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वो साधारण मनुष्य हो गए या फिर वो अपनी स्थिति से गिर गए कि उन्हें एक कार्य करना पड़ रहा है भगवान हो के भी नहीं। भगवान अपने भक्तों से प्रेम के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए, प्रेम के आदान प्रदान करने के लिए भगवान कभी कभी भक्तों की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। इसीलिए अर्जुन से भगवान का एक रिश्ता है, एक साक्ष्य रस है और इस साक्ष्य रस में भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। अभी सारथी बनना सामाजिक दृष्टि से बहुत उच्च सेवा नहीं मानी जाती, मतलब इस इन द सेंस की बहुत बहुत उच्च सेवा नहीं है सारथी, जैसे हम कहते हैं ना ड्राइवर। लेकिन भगवान जो परम भगवान है अभी अर्जुन के ड्राइवर बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा बनने से भगवान अपनी स्थिति से गिर गए, ऐसा नहीं कि अर्जुन अब उच्च स्थिति में पहुंच गए। अर्जुन की स्थिति अब भगवान की स्थिति परम है, भगवान परम स्थिति में ही है। कभी कभी भगवान सूकर का रूप धारण कर लेते हैं, सूअर वैसे अच्छा नहीं माना जाता, सूअर एक ऐसा पशु है जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता लेकिन गंदगी में रहता है, और भगवान जब कभी कभी सूअर बन जाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान जो है अब अपनी स्थिति से गिर गए कि उन्हें सुअर का रूप लेना पड़ा, अब वो बद्ध हो गए या फिर उनके ऊपर बंधन लगा। हम सुअर बनेंगे तो हमारे कर्मों के कारण बनेंगे, भगवान अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कुछ ऐसी लीलाएं करने के लिए जिसमें भक्तों की रक्षा करते हैं कई बार ऐसे रूप धारण करते हैं, लेकिन वो कर्म बंधन में नहीं होते, कर्म बंधन में नहीं होते प्लस वो अपनी स्थिति से नहीं गिरते। इस प्रकार भगवान को अच्युत कहा गया, अच्युत मतलब जो कभी अपनी परिस्थिति से गिरे नहीं कभी, इसीलिए यहाँ पे वर्णन आता है कि अभी वो अपने भक्त के, अपने मित्र अर्जुन के सारथी बन गए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनकी परम स्थिति को कोई हानि पहुंच गई, वो अपनी परम स्थिति से गिर गए हैं। वो अभी भी भगवान है, वो अभी भी ऋषिकेश है, सारथी होकर भी वो भगवान अर्जुन की इंद्रियों को नियंत्रण कर रहे हैं, साथ ही साथ हम सब की इंद्रियों को नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये भगवान और भक्त का बड़ा ही मधुर संबंध है, भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भक्त की सेवा करना चाहते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि शिव जी बड़े या फिर हनुमान कृष्ण या राम बड़े, तो भक्त बोलते हैं कि राम जी की पूजा, श्री राम जी ने शिव जी की पूजा करी तो शिव जी बड़े, या कौन बड़े,
एक्चुअली दोनों ही एक दूसरे में एक दूसरे का यश बढ़ाने लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम शिव जी का यश बढ़ाने में लगे हैं, और श्री शिव जी हमेशा भगवान श्री हरि का यश बढ़ाने लगे हैं। तो हमेशा इनके भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन बड़े कौन बड़े, लेकिन ये दोनों का आपस में एक दूसरे का यश बढ़ाने का कार्य चल रहा है। और ब्रह्म संहिता और अन्य शास्त्रों में हमें फिर पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण और शिव दोनों इसी प्रकार से हैं जैसे दूध और दही है। बहुत अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं या दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। नहीं, है वही, इस भौतिक जगत की सृष्टि को संभालने के लिए वही श्री कृष्ण शिव के रूप में, और वही भगवान जो है डायरेक्ट माया के संपर्क में नहीं आते, इसलिए शिव जी बन के इस माया को कंट्रोल करते, उनके पति बनते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों अपना यश एक दूसरे का बढ़ाते रहते हैं, ये आदान प्रदान है। लेकिन फिर कई ऐसी लीलाएं होती है जिसमें हम जान पाते हैं कि शिव जी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसी कौन सी लीला हुई जिसमें शिव जी भी मोहित हो गए भगवान से? आप लोग चैट बॉक्स पे लिख के भेजिए, कौन सी ऐसी लीला हुई जिसमें शिव जी भी मोहित हो गए भगवान के सुंदर रूप को देखकर? तो आप सबके आंसर्स का वेट है। महारास के समय, बिल्कुल महारास हुआ था तब भी रास लीला के समय। ओके, रास लीला, सभी ज्यादातर कृष्ण भक्त हैं इसलिए रास लीला जल्दी याद आ रही है आप लोगों को। मेरे मन में तो जो याद आया था वो था मोहिनी रूप, शिव जी भगवान के मोहिनी अवतार के प्रति जन्म के समय दर्शन करने गए थे। वेरी गुड, मथुरा लीला हुई, जन्म लीला हुई, सबके। आप देखिए हमने एक प्रश्न से कितने सारे लीलाओं का स्मरण किया, कितनी सारी लीलाओं का हमने स्मरण किया सिर्फ एक पॉइंट से प्रभुपाद जी के। तो एक एक ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिए, मोहिनी अवतार, भगवान जब मोहिनी अवतारित हुए तो उस समय वो शिव जी जो जब पार्वती शिव जी को जब ये हुआ, देवताओं को कार्तिकेय चाहिए था, एक सेनापति चाहिए था, तो सबने पार्वती जी को रिक्वेस्ट करी कि शिव जी के पुत्र चाहिए हमें। तो शिव जी को उत्तेजित करने के लिए पार्वती ने बहुत प्रयास किया, लेकिन शिव जी उत्तेजित नहीं हुए। वो जो शिव धैर्य रखते संयमी शिव, जब मोहिनी अवतार को देखे तो उनके पत्नी खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, लेकिन शिव जी भाग पड़े। शिव जी भाग पड़े कि मोहिनी को मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है, और शिव जी भाग रहे हैं और मोहिनी भी भाग रही हैं। और फिर भगवान ने उनको दर्शन दिए कि भाई देखिए आप भी मोहित हो गए, आप बोलते थे कि मैं नहीं मोहित होता। भगवान की सुंदरता के प्रति ऐसे रूप को बार बार देखना चाह रहे थे, बार बार बोल रहे थे मुझे वो देखना, मुझे वो देखना। और शिव जी इस प्रकार से, मतलब ऐसा नहीं कि हम शिव जी की निंदा कर रहे हैं कि वो इस प्रकार से मोहित, भगवान से मोहित हुए वो, ये भी बात सोचनी चाहिए हमें, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान क्या कहलाते हैं, अच्युत कहलाते हैं, और भगवान का अपने भक्तों के साथ दिव्य आदान प्रदान रहता है। तो कभी कभी भक्त उन्हें ऑर्डर देते हैं, भगवान उसका पालन करते हैं, है तो वो मास्टर, भगवान है तो स्वामी, उनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब उनका शुद्ध भक्त उन्हें ऑर्डर देता है, जैसे सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के, भगवान मदन गोपाल रहते थे सनातन गोस्वामी के पास, एक मदन गोपाल के विग्रह। तो मदन गोपाल बोले सनातन गोस्वामी से कि सनातन सूखी रोटी खिला रहे हो कई दिनों से, थोड़ा नमक लगा लिया करोगे तो नमक से खा लूंगा मैं। तो सनातन गोस्वामी बोले कि देखो मेरा, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं क्या आपको खिलाऊंगा, मैं तो खुद भिक्षा मांग के खाता हूँ जो मिल जाता है। अभी आप सूखी रोटी में परेशान है, कल को बोलेंगे नमक की जगह घी लगाओ तो इतना हमसे नहीं बन पाएगा, अपनी व्यवस्था खुद करो। तो भगवान, ऐसा नहीं कि भगवान को कोई कमी है, लेकिन भक्त के ऐसे भावनाओं को, भक्त के ऐसे प्रेम को देखते हुए कि भाई मेरे साथ ऐसी रिश्ता है कि ये मेरे साथ इतना ओपनली बोल दे रहा है,
तो फिर भगवान ने अपनी व्यवस्था भी करी और सनातन गोस्वामी ने उनका भजन भी बहुत किया। इसलिए वृंदावन परिक्रमा मार्ग में जब हम चलते हैं तो वहां पे आता है मदन मोहन मंदिर, तो वही मंदिर है जहां पे यह लीला हुई। तो इस प्रकार से जो है भक्त का आदान प्रदान रहता है। अभी यहाँ पे अर्जुन के बात बोल रहे हैं कि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, इसलिए जब अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, तो भगवान ने इसको हंसते हंसते स्वीकार किया और अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। अर्जुन इस युद्ध में उपस्थित सभी सैनिकों को देखना चाहते हैं जो दुर्योधन के पक्ष में हैं, ताकि किनके साथ युद्ध होना है ये वो देख सके। तो अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच रथ में ले आए और फिर युत्स्यामानान अवक्षेहम या एते अत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्ष शिवा। अर्जुन ने बोला कि मुझे देखने दो कौन कौन यहाँ पे युद्ध करने आए हैं इस धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। तो अर्जुन ने ये देखना चाहा कि भाई सब दुर्योधन ने किया कराया है, दुर्योधन अपने पिता के साथ मिलके ये युद्ध को कर लिया फाइनल, और इसके साथी गण भी इसी की सोच वाले होंगे, तो मैं थोड़ा देख तो लूं कौन कौन है जो यहाँ पे युद्ध करने आए हैं। अर्जुन इसलिए नहीं देखना चाहते थे कि भी कोई समझौता हो जाए, अर्जुन पूरी तरह तैयार है युद्ध करने के लिए और अर्जुन देखना चाहते हैं और दूसरी सेना की शक्ति का परिमाण करना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन है जो मेरे साथ युद्ध करने आ रहे हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है, इसलिए युद्ध में विजय तो श्री पांडवों की ही होगी। इस बात का पूरा लक्षण उनकी तरफ है। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभे और मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा। संजय ने फिर धृतराष्ट्र को कहा हे भरतवंशी, इस प्रकार अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पे अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाका का अर्थ होता है नींद और ईश का अर्थ होता है स्वामी, तो गुड़ाका गुड़ाकेश का अर्थ हुआ जिस जो नींद के जीत लिया है, या फिर नींद को अज्ञानता भी कहा गया है। गुड़ाका का एक अर्थ अज्ञानता भी है, तो जिसने अज्ञानता को जीत लिया है वह कौन कहलाता है? अर्जुन। अर्जुन ने अज्ञानता को भी जीत लिया। कैसे अज्ञानता को जीत लिया? अर्जुन ने अज्ञानता को जीत लिया भगवान श्री कृष्ण के मित्र होकर, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आकर। भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आने से अर्जुन ने समस्त प्रकार की अज्ञानता को जीत लिया, क्योंकि परम ज्ञान यही है जब हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके भक्त बन जाए। तो अब आप लोग के लिए एक एक्सरसाइज है कि आप लोग किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपने सानिध्य में रख सकते हैं। कम से कम 5 पॉइंट ऐसे लिखिए जिससे आप भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं या आप हमेशा भगवान से संपर्क में रह सकते हैं। 5 ऐसे कार्य जिन जो कि आप करेंगे तो आपको लगता है कि आप भगवान के संपर्क में रहेंगे। 5 पॉइंट्स लिखिए आप लोग। तो आपने लिखा तो हम देखते हैं। काफी सारे पॉइंट आ गए। भक्तों का संग करके, कीर्तन करके, अर्चा विग्रह की सेवा करके, नाम जप करके, भोग बनाते समय जप कीर्तन स्मरण जप करके, संकीर्तन भगवद गीता पढ़ के, कथा सुन के, जी कोई भी खुशी और दुख के समय 4 14 डीटी वर्शिप करके भगवान की सेवा करके, हम हमेशा हेल्प करना जिनको जरूरत है, कितना भक्तों का संग करके, कीर्तन भक्तों का संग करके, बुक पढ़ के, लेक्चर सुन के, वेरी गुड।
इसी प्रकार से प्रसाद बना के, किताब बांट के, प्रभुपाद जी की, इस प्रकार से हम भगवान के संपर्क में रह सकते हैं। तो ये हुआ। उसके पश्चात अर्जुन दोनों, अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश कहा गया और श्री कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा गया। ये आपने जाना ऋषिकेश का अर्थ क्या है। तो इसी प्रकार से अर्जुन की वो स्थिति है कि वो कभी भी श्री कृष्ण को भूलते नहीं, इसलिए उन्होंने अज्ञानता को जीत लिया। हम भी अज्ञानता को इन कार्यों से जीत सकते हैं। जो जो कार्य आपने लिखे हैं, अगर आप इसे निरंतर करते रहेंगे तो आपका श्री कृष्ण का स्मरण बना रहेगा, और जिसके मन में श्री कृष्ण का स्मरण सदैव निरंतर बना रहे, उसको कभी भी अज्ञानता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें बार बार श्री कृष्ण को स्मरण करना है, कोई भी परिस्थिति हो श्री कृष्ण को स्मरण करना, चाहे आपको समझ आए या ना आए परिस्थिति कैसी है। आपने अगर कैसी भी परिस्थिति में श्री कृष्ण को स्मरण करना सीख लिया तो आप अज्ञानता में नहीं है। अदरवाइज हम कितना ही दिमाग लगा लें परिस्थिति को, हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे तो मतलब हम अज्ञानता में। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। अर्जुन को यहाँ पे गुड़ाकेश कहा गया। और फिर 25 नंबर श्लोक में भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुन्निति। भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच रथ को ले आए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जरा गुरुओं को देखो जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस समय भीष्म द्रोण और सारे विश्व के योद्धा वहां उपस्थित थे। उन दोनों के बीच, उन सब के बीच में रथ को लाकर खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से अर्जुन को कहते हैं। तो अर्जुन यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा है, वो सब कुछ जान रहे हैं। अर्जुन के मन में क्या चल रहा है, अर्जुन क्यों ऐसा बोले, अर्जुन के मन में क्या भावनाएं आ रही हैं, श्री कृष्ण सब जानते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया। और यहाँ पे उनका एक नाम अर्जुन का एक नाम पार्थ कहा गया। पार्थ का मतलब पृथा पुत्र, कुंती के पुत्र अर्जुन। यहाँ पे अर्जुन के मन को भगवान जान गए कि ये कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं युद्ध करने के लिए। अब ये हिचक वाला फेज आने वाला है। तो भी भगवान ने क्या किया, अर्जुन को पार्थ कह के पुकारा। पार्थ कह के इसलिए पुकारा कि अर्जुन तुम कोई साधारण स्त्री के पुत्र नहीं हो, तुम पृथा के पुत्र हो, और वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, महाराज पांडु की पुत्री है, भरत वंश की बहू है, और तो और तुम मेरे पिता वसुदेव की बहन है। तो तुम ऐसा कार्य मत करना कि तुम ये सोचो कि मैं युद्ध नहीं करूं। तो भगवान ने एक प्रकार से इंडिकेट कर दिया कि तुम एक साधारण वंश के वंशज नहीं हो, वो वंश के वंशज हो जो विख्यात हैं भरत वंशी के नाम से। ऐसे वंश का नाम डूब जाएगा अगर अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और फिर भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि देखो तुम ये मत सोचो कि भाई मैं तुम्हारा सारथी ही हूं, केवल मैं सारथी तो जरूर हूं लेकिन तुम्हारी वहां मेरी बुआ लगती है। लोग मेरे बारे में भी कहेंगे अरे वसुदेव द्वारका नगरी के जो कृष्ण अरसे अर्जुन के सारथी बने, जो डरपोक निकला, जो युद्ध से पलायन करने लगा, तो कहीं ऐसी बात ना हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में ही बने रहो, इसलिए बोला कि जरा देखो सब तुम्हारे कुरु वंश को देखो इधर जो उपस्थित हुए हैं युद्ध करने की इच्छा से। भगवान इसलिए अर्जुन को बोले कि यहाँ रुकना नहीं है, ऐसा मैं तुमसे अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। हे पार्थ, मैं तुमसे ऐसा अपेक्षा नहीं करता कि तुम्हारे मन में ऐसी बातें चल रही हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए देखो जरा यहाँ पे समस्त कुरु उपस्थित है, लेकिन इनको देखकर ऐसी बातें मत बोलो, इसलिए हे पार्थ कह के पुकारा। अर्जुन का मन पकड़ लिया था भगवान श्री कृष्ण। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, तत्रापश्य स्थितियान पार्था वितृणथा पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पोत्रान सखीं तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने देखा उस युद्ध भूमि में जो सेना उपस्थित थी, अपने पितामह को देखा, पिताजनों को देखा। पिताजन मतलब उस प्रकार जो उनके पिता के एज के थे, पितामह को देखा, गुरुजनों को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा,
पौत्रों को देखा, मित्रों को देखा, अपने ससुरों को देखा और शुभ चिंतकों को देखा। इस प्रकार से अर्जुन ने अपने सारे कुरु वंश को वहां पे देखा, और जब कुरु वंश को देख लिया, फिर अर्जुन ने तान समीक्षस्य स कौन्तेया सर्वान बंधुन अवस्थितान कृपया परया विष्टो विषिदन्नम इदम ब्रवीत। फिर अर्जुन ने जब इन सबको देखा, उसका हृदय करुणा से भर गया। अब यहाँ पे शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, करुणा से भर गया। तो अब हम वो पॉइंट पे आ गए हैं, उन चार कारणों को हम पकड़ेंगे जिनसे हम ये जानेंगे कि अर्जुन ने मना किया युद्ध करने के लिए। पहला कारण है करुणा। उनको ये सब देख के करुणा जगी कि इस युद्ध में इतने सब लोग मारे जाएंगे, ये युद्ध नहीं करना है मुझे। ये पहला कारण आप लोग नोट कर लीजिए, करुणा। करुणा आ गया हृदय में, तो इस कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो यहाँ अर्जुन का पहला कारण है करुणा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी यहीं पे 26 नंबर श्लोक तक, 27 तक हमने आज पढ़ा, करुणा की परिस्थिति तक लेकर आ गए। अब जो है हम यहाँ पे रुक जाएंगे। अभी आप लोगों को 26 नंबर श्लोक तक पढ़ना है, और पढ़ के फिर हम जब मंडे को मिलेंगे तो फिर अब थोड़ा डिटेल्ड में चलेंगे कि क्या क्या अर्जुन ने चार कारण दिए युद्ध ना करने के। करुणा है और भी है कारण, वो जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। तो अभी एक चीज हमने जानी कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सेवा करना पसंद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त जब उन्हें ऑर्डर देते हैं तो भगवान उनकी सेवा करते हैं। अब आप कुछ ऐसे पास टाइम्स या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भगवान से, भगवान की लीला के स्मरण करके लिख के बताइए जिसमें ऐसा ही हुआ कि भगवान का भक्त ऑर्डर दे रहा है और भगवान पालन कर रहे हैं। अर्जुन और कृष्ण के बात को छोड़ के कुछ और ऐसी लीलाएं जिसमें भक्त ने भगवान से कार्य करवाए, ऐसी कुछ लीलाओं का स्मरण कीजिए और चैट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए। क्योंकि भगवान, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान और भक्त का संबंध बड़ा मधुर होता है। मेरे मन में एक आ गया है, आपके मन में कौन सा आया आप लोग लिखिए, मैं भी फिर लास्ट में बताऊंगा मेरे मन में कौन सा आया। पत्तल सेवा, पत्तल सेवा जिसमें भगवान ने पांडवों के कहने पर, पांडवों के राजसूय यज्ञ में पत्तल सेवा स्वीकार करी। मतलब युधिष्ठिर महाराज ने डिपार्टमेंट बांटे होंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट लेगा, तो भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है और उन्होंने पत्तल सेवा की। वो कह सकते थे कि भी मैं तो पत्तल नहीं उठाऊंगा, मेरे कोई मेरी तो अभी पूजा करोगे आप लोग, तो ऐसा। बलि महाराज के द्वारपाल बने, वेरी गुड। महाराज बलि, वैसे महाराज बलि ने नहीं बोला था तो, हाँ बोला था, महाराज बलि बोले थे कि भी मेरे समक्ष रहिए हमेशा, तो भगवान महाराज बलि के द्वारपाल बन गए, वेरी गुड। और बताइए ऐसी कोई लीला जिसमें हिप्पीज बने हैप्पी, बाय शीला प्रभुपाद महाराज की जय। ये भी है, चलिए और सोचिए थोड़ा। भगवान के भक्त ने भगवान से सेवा करवा ली, ऐसा आदान प्रदान जिसमें भक्त ने भक्त सबरी के जूठे बेर खाए, वेरी गुड। देखिए कितना सुंदर बताया प्रदीप प्रजापति प्रभु ने, शबरी के जूठे भेर खाए भगवान ने। नंद महाराज की सेवा, भगवान श्री कृष्ण छोटे बच्चे थे, नंद महाराज बोल कई बार बोलते थे कि मेरे जूते लाओ, तो वही परम भगवान सर पर रख के लाते थे। गोपियों ने थोड़े से मक्खन के लिए नाच नचाया, हाँ ये भी है। भगवान जो है, गोपियां बोलती थी कि ओ मक्खन चाहिए, भगवान बोलते थे मेरे को मक्खन चाहिए, तो बोलती थी नाचो थोड़ा ठुमके लगाओ, तो फिर जो है भगवान छोटे से ठुमके लगाते थे। सुदामा जी की सेवा करी भगवान ने, लेकिन सुदामा जी ने बोला नहीं था, खैर भगवान ने उनकी सेवा करी। विदुर के घर पर छिलके खाए भगवान ने, मतलब भगवान ने इस प्रकार से भक्त की सेवा स्वीकार करी, भक्त के कहने पर। ये थोड़े से अलग हैं, मैं जो कह रहा हूँ उससे थोड़े से अलग है, लेकिन ये भी अच्छे हैं, अच्छे पॉइंट्स बताए। और कुछ ऐसी लीलाएं मैं बता दे, एक बताता हूँ। भक्त रघुनंदन था, रघुनंदन ने भगवान को बोला कि मैं भोग लगा रहा हूँ आप खाओ, तो भगवान ने उस
पहले नहीं खाया, लेकिन बाद में जब वो बहुत रोने लगे तो भगवान ने फिर उनके द्वारा अर्पित भोग को खा लिया, सब बहुत रोए थे तो खा लिया भगवान। तुकाराम महाराज की सेवा करी, हमने लास्ट टाइम कथा सुनी थी, द्रौपदी की रक्षा करी, राधा रानी की सेवा करते ही थे भगवान, रंगनाथ स्वामी की सेवा, बहुत अच्छा, सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। इस प्रकार से अपने दिमाग को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाइए, और ऐसे बहुत सारी लीलाएं हैं जिसमें भगवान या राधा रानी ने अपने भक्तों की सेवा करी, प्रहलाद महाराज की रक्षा करी, बहुत सुंदर आप लोग बता रहे हैं। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं के स्मरण में आज आप लोग अपनी रात्रि बिताएं, और फिर अब आज शुक्रवार हो गया, शनि और रवि 2 दिन हैं। मैं आपको अभी तक के सारे ऑडियो ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग 2 दिन ऑडियोज वगैरह सुन के 26 नंबर श्लोक तक पहुंच जाइए, और फिर उसके उपरांत हम लोग आगे अगले दिन मंडे को 28 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे, और फिर अगले हफ्ते तक पहला अध्याय पूरा करके आप लोगों का पहले अध्याय की परीक्षा होगी। आप लोग ध्यान से पढ़िए। अक्षय यादव प्रभु कुछ कह रहे हैं तो अनम्यूट करके बोलिए। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये कह रहे हैं कि कभी कभी मैं चैंटिंग करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी चैंटिंग करता हूँ तो चैंटिंग करने का मन नहीं, थोड़ा वैसा होता है। कभी बहुत ही अच्छा फील होता है और भगवान का स्मरण होता है, दर्शन मन ही मन में। देखिए, शास्त्र वर्णन करते हैं कि चाहे कैसा भी हो, आप सुनने का प्रयास करिए। अभी हो मन लगे या ना, आप मन नहीं है। प्रभुपाद जी से भक्तों ने बहुत बार प्रश्न पूछा, प्रभुपाद मन नहीं लगता, प्रभुपाद एक ही आंसर बोलते थे, यू आर नॉट माइंड, यू आर नॉट माइंड। आप अपने आप को मन के प्रभाव में इसलिए ला पा रहे हैं, ला दे रहे हैं, क्योंकि आप मन, अपने आप को शरीर और मन से पहचान कर रहे हैं। आप मन नहीं, आप आत्मा हैं। इस बात से ये जानिए कि आप मन के कंट्रोलर है, तो जब मन कुछ बोले उसको मना करना सीखिए, थोड़ा अंदर में आवाज लगाइए मन कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और भगवान के नाम को सुनने का प्रयास कीजिए। जितना आप सुनेंगे उतना आपका मन लगने लग जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस करके देखिए आप, 10-15 दिन आपको खुद लगेगा कि मन का प्रभाव कम हो गया। जब के समय मन कुछ भी बोले उसको बिठा दीजिए साइड, इसकी प्रैक्टिस करिए। कभी भविष्य में हम जब के ऊपर 3 दिन का सेशन लेंगे तब आपको और अधिक समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए उस सारे सेशन का एक क्रक्स बता रहा हूँ जो आप सबके लिए है। मन लगे ना लगे, चैंटिंग अपनी सुनिए, आप सुनने का प्रयास कीजिए। आपको सुनने में मन भटकाएगा, लेकिन आप मन नहीं है, ये बात उस जान लीजिए। आप मन मानेंगे अपने आप को तो कभी नहीं लगेगा मन जब, और जब आप अपने आप को मन से अलग करेंगे तो आपका मन लगेगा। आप मन नहीं है, आप आत्मा है, इस बात को जान लेंगे तो आप कर पाएंगे। तो इसको प्रयास कीजिए 2-4 दिन, फिर कभी भविष्य में हम करेंगे। हरे कृष्णा, यहाँ रुकते हैं, फिर हम मिलेंगे मंडे को। श्रील प्रभुपाद की जय।